हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मायसेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कि हमें ये पेयर्स दिए गए हैं, तीन पार्ट्स के अंदर है, हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है। ओके जनाब, निकाल देते हैं जी। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो ये पॉइंट है इनको मान लेते हैं जी। लेट ए मान लिया पॉइंट ए और बी क्या मान लिया 4 और 1। हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा क्या होता है कि x2 माइनस के x1 का स्क्वेयर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वेयर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अपना। बहुत बढ़िया जी। अब a b निकालनी है, a और b की डिस्टेंस है। देखा जाए तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस के x1, x2 कितना है 4, ये कितना है 2, यानी 4 माइनस के 2 का स्क्वेयर प्लस में y2 माइनस के y1, y2 है जी 1 और ये है 3, यानी 1 माइनस के 3 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे जब 4 माइनस 2 किया तो कितना बचा 2 का स्क्वेयर प्लस में a माइनस b। यानी देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, 3 में से गया 2, साइन किसका आता है? बड़ी रकम का, बड़ी किस चीज की है? माइनस की का स्क्वेयर। बहुत बढ़िया जी। अब 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, अब माइनस 2 का स्क्वेयर भी कितना होता है 4, 4 प्लस 4 दोस्तों कितना आ गया 8 हमारा आंसर आ गया। आंसर ये भी है, अगर इसको थोड़ा ठीक करके लिखना चाहो उसके रूट के अंदर तो आंसर आता है इसका 2√2। अब कुछ एक बच्चों के मन में दिक्कत आती है कि सर 2√2 कैसे, हाउ? तो क्या होता है इसका, जब मैंने 8 ही क्या किए फैक्टर किए तो 2 4 8 2 2 8। तो यहां मैंने क्या देखा कि यहां पर 2 का पेयर तो बन गया, यानी 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 अकेला रह गया, ये रह जाता स्क्वायर रूट के अंदर। इसलिए जो हम 8 को है 2√2 लिख सकते हैं। ये आ गई डिस्टेंस इस पॉइंट की। अब निकालते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस, देखिए क्या दे रखा है हमें। अब हमें वही बात है दोस्तों, ये चीज है जैसे हमने इसके अंदर किया है सेम वही करेंगे। ए मान लेंगे इसको माइनस के 5 और 7 और बी क्या मान लेंगे माइनस के 1 और 3। वही बात है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। दोस्तों मैं वीडियो में कहता हूं हर बार कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है? या फिर उसको इस तरह से कि हमारा ये फॉर्मूला है अच्छे से मेंशन कर दिया, है ना, इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो क्या है, ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना है, ये देखो ये होता है x1, ये y1, इधर वाला x2 और ये y2। तो x2 माइनस के x1 यानी माइनस के 1, और देखो यहाँ पे माइनस का है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गए 5 प्लस हो गए स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 यानी 3 माइनस के 7 स्क्वायर। तो ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, इधर भी प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी रकम का। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब ये कितना बन गया 32। अब इस 32 को हम जब इस तरह से मैंने बताया था फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4√2। ये आ गई डिस्टेंस इन पॉइंट की। अब निकालते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस, वही बात है वही काम अपना। लेट ए मान लेते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, मैं ए बी मान रहा हूं, आप कुछ भी मान लीजिए इसके अंदर। तो डिस्टेंस अपनी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या बनेगा x2 माइनस के x1,
यानी माइनस के ए और माइनस के ए का स्क्वायर प्लस के वाई टू माइनस के बी है और माइनस के बी का स्क्वायर। तो ए बी यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस है, लेकिन साइन किस का आता है माइनस का, तो ए और ए कितना बन गया टू ए किस चीज का माइनस का, प्लस के यहाँ पे माइनस के टू बी का स्क्वायर। तो दोस्तों जब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर कितना बन गया फोर और साथ में ए का स्क्वायर, यही बात यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर और साथ में बी का स्क्वायर, फोर यहाँ पे भी फोर यहाँ पे भी फोर, क्या कर लिया हमने अपनी तरफ से कॉमन निकाल लिया इसके अंदर से, तो ये बता ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब फोर किसका स्क्वायर होता है दोस्तों अपना टू का होता है, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। दोस्तों ये हो गई डिस्टेंस है ना, तो तीनों पार्ट ये रहे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। दोस्तों यहाँ खत्म हुआ अपना क्वेश्चन नंबर वन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, डाउट है कोई बात नहीं नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो वहां भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।